खबर अलवर से, नाले के गंदे पानी से लोग हुए परेशान। नगर विकास न्यास की ओर से शहर के वैशाली नगर में नाले का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इस नाले का गंदा पानी स्थानीय ग्राम बेलाका गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज स्थानीय ग्रामीण यूआईटी पहुंचे, जहां यूआईटी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय निवासी लोकेश शर्मा का कहना है कि नगर विकास न्यास की ओर से वैशाली नगर में जो नाले का निर्माण किया गया है, वह बिना किसी प्लानिंग के किया गया है, जिसके चलते इस नाले का गंदा पानी खेतों में जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली से गंदे पानी आने के चलते लोगों के घरों की दीवारों में सीलन और दरार आ चुकी है, लेकिन यूआईटी का इस नाले पर कोई ध्यान नहीं है। यदि नगर विकास न्यास सुध नहीं लेता है तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी, नाम लोकेश शर्मा। किस बात को लेकर आज हम इस बात को लेकर आए? जो यूआईटी ने वैशाली नगर के पीछे जो नाड़ा बनाया है, वो शिवाजी नगर बेलाकर नई कॉलोनी बसी है और 15 साल हो गए कॉलोनी को बसे, वो सारा पानी कॉलोनी के में छोड़ दिया गया है और इसको यूआईटी को 2-3 बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन यहाँ से वैसे ही भेज देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। अब घरों में पानी भरा है, मकानों में दरार आने लगी, बीमारी का माहौल है, बीमार बच्चे बीमार हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में दिक्कत है, घर से बाहर दूध लेने में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है, नलों में गंदा पानी आ रहा है, मोटरों के अंदर सिंचाई के अंदर गंदा पानी आ रहा है। नहर से अलग करवा दिया, और क्या मांग है आपकी? मांग तो यही है सर, उसको पानी को रोका जाए, पानी को बंद कराया जाए, या फिर उसको आगे निकाला जाए। सिंचाई विभाग की नहर थी, उसमें पूरा अलवर का गंदा पानी जो हमारे कॉलोनी में भरा हुआ है, उसको अलग करवाया जाए, या तो पानी को वहीं रोको या उसको आगे निकाला जाए। रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। ज्ञापन आज हम यूआईटी में देंगे, उसके बाद कलेक्टर साहब को देंगे, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को देंगे, उसके बाद एक सिंचाई विभाग को देंगे और विधायक जी को देंगे। आपका नाम? नाम जी लोकेश कुमार शर्मा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।